हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। आज का टॉपिक हमारा जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के साथ साथ ही हम इसमें जो है टेंस के बारे में और ये सेंटेंस किस तरह का है, किस को देखते हुए हमें वो फिल करनी है, उससे रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 प्लस ही जाएंगे। ठीक है, तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन वन है, गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीसियस मेटल्स। तो सबसे पहले हमने जैसा भी बोला कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो इसके लिए तो ये सब्जेक्ट का पता होना जरूरी होता है। एक नाउन और एक प्रोनाउन दोनों ही जो है वो एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो नाउन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों में सिमिलर रहता है, प्रोनाउन में पहचान करना आसान होता है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता लग जाए ये नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कौन सा जो है मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले से क्लीन करते हैं। तो देखो यहाँ है गोल्ड एंड सिल्वर, तो हमें अगर काउंट ये देखना हो कि नाउन की ये जो किस तरह का टाइप है, तो हमें नाउन का टाइप पता होना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये क्या होता है, सिल्वर और गोल्ड दोनों को हम गिन नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर आए, यानी कि एक सब्जेक्ट आए, मान लो गोल्ड या सिल्वर दोनों में से कोई एक होता, हम यहाँ पर हमेशा ही क्या लगा देते, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अभी दो सब्जेक्ट है और दोनों ही आइडिया डिफरेंट दे रहे हैं, यानी दोनों की अलग अलग बात हो रही है कि दोनों ही अपने अपने जगह पर प्रीसियस मेटल्स हैं। ठीक है, तो अब ये हम यूँ कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल के रूप में यहाँ पर दो सब्जेक्ट आए हैं। अब दो सब्जेक्ट आए हैं तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीशियस मेटल्स। अब मेरे पास, अब जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे हमें कौन सी वर्ब चाहिए, प्लूरल, प्लूरल चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पे पहले सिंगुलर वर्ब को हटा देते हैं। अब मेरे पास ये पीवी, हम इसको पीवी बोल सकते हैं ना। अब ये पीवी में मेरे पास कौन सी है, एक ये है एक ये, दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन सी लगाऊँ। अब कौन सी लगाने के लिए अब मेरी हेल्प करने वाला है यहाँ पर टेंस, क्योंकि ये तो टेंस का ही मामला हो गया ना, ये प्रेजेंट में है ये पास्ट में है, तो मुझे कौन सा टेंस यूज़ करना है। तो जो गोल्ड और सिल्वर प्रीसियस मेटल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक जनरल फैक्ट है। देखिए ये तो एक सिंपल थोड़ा सेंटेंस था, तो थोड़ा जल्दी समझ में आ गया, बट हर सेंटेंस में आपको इसे देखना है। जनरल फैक्ट क्या लेता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस लेता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग मेरे पास बच्चा क्या है, आर, आर है, प्लूरल भी है और प्रेजेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश देयर। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक आर्टिकल है, फिर एक नाउन यानी एक सब्जेक्ट है, फिर एक एंड है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमें वर्ब फिल करनी है, तो जब भी हमारे पास आर्टिकल सिंगुलर रहेगा तो वो पर्सन जो है वो सेम एक सिंगुलर पर्सन को ही रेफर कर रहा है, यानी जो प्रिंसिपल है वही क्या है, वही सेक्रेटरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये तय हो गया कि हमारे पास यहाँ पे वर्ब चाहिए हमें सिंगुलर। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर एक ही है, ये मैंने हटा दिया, तो यहाँ विल क्यों नहीं आ सकता, क्या इसे मैं फ्यूचर टेंस नहीं बना सकती। तो देखो कि ये जो वॉज वर और इज आर एम जो होती है, वॉज वर इज आर एम, ये बी की फॉर्म्स होती है। इस किसकी फॉर्म है, ये बी की फॉर्म्स, बी खुद भी एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। उसके बाद ये हमारी प्रेजेंट और ये हमारी पास्ट है, और हमारे पास बीइंग भी रहती है। ठीक है, और बीइंग भी होती है, वो हमारी कंटिन्यू फॉर्म हो जाती है। लेकिन ये जो है ये हमारी मेन वर्ब का काम भी कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है। ठीक है, जब ये मेन वर्ब का काम कर रही होती है तब ये एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर विल लगाया, तो विल के साथ मुझे फिर एक वर्ब चाहिए, क्योंकि विल एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब तो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकती। तो यानी या तो मेरे पास यहाँ पे बी होना चाहिए था, विल बी देयर, वहाँ होगा। ठीक है, होने के सेंस में हमें यहाँ पे बी को यूज़ करना होता, लेकिन उसी सेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ओनली वॉज यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे कि टू और मोर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन्स कोई भी हो सकते हैं। अभी तो हमारे पास कौन से सिंगुलर नाउन थे, हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन थे। वैसे अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता है, आप इसे गिन ही नहीं सकते हैं। सिंपल नाउन की क्या क्वालिटी होती है, जिसे आप गिन सकते हैं, इसको सिंगुलर और प्लूरल होने की इसमें क्वालिटी होती है। ठीक है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे दो से ज़्यादा को जोड़ देते हैं तब वो टू सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, टू सब्जेक्ट्स के रूप में अनकाउंटेबल नाउन का आना मान सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्टेड बाय एन यूजली टेक
और प्लूरल वर्ब यूजली क्यों लिखा, आगे आपने अभी सेकंड क्वेश्चन में देखा क्या था हमारे पास, एक आर्टिकल, एक सब्जेक्ट, एक फिर एंड था, फिर एक सब्जेक्ट था, यानी यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं था। तो इफ़ टू नाउन जॉइन बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग वर्ब इज सिंगुलर, एक ही पर्सन को रेफर करते हैं, ये जो पर्सन था जिसके आगे आर्टिकल लगा था वही सेम पर्सन, ये भी यही वही सेम पर्सन की बात ही हमने सिंगुलर वर्ब लगाया, यानी एंड से कनेक्ट होने के बाद भी हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द पोएट एंड द राइटर डैश बीइंग ऑनर्ड। अच्छे से समझिए इसको कि उसमें सेंटेंस में हमारे पास आर्टिकल सिंगुलर था, इसमें आर्टिकल दो है। जब दोनों ही नाउन के आगे आर्टिकल है इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों अलग है, यानी पोएट अलग है, राइटर अलग है, और यहाँ पे है बीन ऑनर्ड। तो अब सबसे पहले तो ये हो गया कि हमें वर्ब तो यहाँ पे प्लूरल लगानी है, ठीक है, सबसे पहला चूज़ किया कर लिया हमने प्लूरल वर्ब लगानी है। अगर तो मेरे पास यहाँ पे एक ही है तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मैंने यहाँ पर सीधा वहाँ पे प्लूरल लगा दी होती। अब ये मैंने हैज़ हटाया सिंगुलर थी और वॉज़ हटा दिया सिंगुलर थी, मेरे पास दो बच रहा है हैव और वर। अब मैं यहाँ हैव लगाऊँ या वर लगाऊँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे वर लगाया होता, ठीक है, तो हमें पहले देखो कुछ स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए। ये अगर मैं हैव लगाती हूँ तो जनरल स्ट्रक्चर क्या होती है, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, हैज़ हो, हैव हो या हैड हो। हम इसमें देखो पूरी ग्रामर ही कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारे 20 जरूर हैं, बट हम डिस्कस करते हुए चलेंगे तो आपकी रिवीजन हो सकती है कंप्लीट यहाँ पर। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो वो हमारा सेंटेंस कैसा बन जाता, वो हमारा सेंटेंस बन जाता एक्टिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस होता वो हमारा, एक्टिव सेंटेंस, ठीक है, एक्टिव वॉइस में हो जाता। और एक्टिव वॉइस मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये देखा कि अगर मुझे V3 चाहिए तो ये बीइंग जो होती है वो V3 तो होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगानी तो यही है कि हैव लगा दूँ। वर्क के साथ भी बीन लग सक, वर्क के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है, बीन नहीं बट वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद वो क्या भी बन जाता, वो भी पैसिव वॉइस बन जाता, क्लियर है आपको। अब देखो जब वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना ऑलरेडी, ये तो बी की थर्ड फॉर्म है जो कि मुझे हैज के साथ लगानी थी, और उसके बाद एक थर्ड फॉर्म चाहिए जो मेन वर्ब की होनी चाहिए, क्लियर। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है कि मुझे यहाँ पे हैव लगाना है। द पोएट एंड द राइटर जो हैं उनको ऑनर किया गया था किसी के द्वारा, वो खुद से नहीं हुए थे, सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हैव। तो ये दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पे आपने क्या देखा, एक तो आपने देखा कि आपको मेन तो सब्जेक्ट को वर्ब को जो है सब्जेक्ट के साथ एग्री करना था, दूसरा आपने देखा टेंस देखना पड़ेगा, ठीक है, तीसरा आपने देखा कि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, ये देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्म भी फिल करनी पड़ेगी, क्लियर है आपको। अभी तक आपने ये तीनों चीज़ें देखी, साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि बी की जो फॉर्म्स होती है वो मेन वर्ब का काम भी कर सकती है, बी की फॉर्म जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, वो भी आपने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्लो एंड से कनेक्टेड है, देखिए अभी तक हम जो कंसेप्ट कर रहे थे एंड से ही कर रहे थे, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विन डैश द रेस विंस हैज़ वन विन या वन। अब देखो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे देखूँ कि ये जो है वो भी टेंस प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, तो ये तो हो जाता है कि वर्ब अग्री करानी है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखूँ तो ये पास्ट का है और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो सबसे पहले तो मैं ये तय करूं कि मुझे यहाँ पे वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल, उनमें से दो तो वैसे ही हम इसे हटा सकते हैं यहाँ पर। तो स्लो एंड स्टडी क्या है, एक फ्रेज़ है, स्लो एंड स्टडी एक फ्रेज़ है कह सकते हैं, प्रोवर्ब कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, किसी भी तरह से समझ लीजिए, इसे प्रोवर्ब कह के समझ लेते हैं। अब जो ये प्रोवर्ब है, हम प्रोवर्ब हमेशा किस में रहती है, इसको फ्रेज़ को छोड़िए, चलिए अभी इसे प्रोवर्ब मान लेते हैं। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, कहावत। ऐसा कहा जाता है कि स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, मतलब जो धीरे और लगातार चलता है वही जीतता है। एक आपने देखा होगा हेयर एंड टॉर्टोइज में एक मॉरल था ये कि धीरे और लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। तो अब मुझे बताइए क्या मॉरल
चेंज हो जाता है, पास्ट में चल जाता है। क्या कोई प्रोवर्ब जो है वो पास्ट में चल जाती है? नहीं, तो ये किस में रहती है? प्रेजेंट में रहती है। और अब ये एक ही आइडिया दे रहा है या स्लो एंड स्टेडी अलग अलग दोनों वर्ड है? दोनों अलग वर्ड नहीं है। जब ये कहावत के रूप में काम कर रहा है तो ये एक ही कहावत है। यानी वर्ब हमें क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। कैसी चाहिए? सिंपल प्रेजेंट में चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट की हमारे पास है विंस, हैज़ वन हमारी प्रेजेंट परफेक्ट है, विन हमारी प्लूरल है, ये हमारी वी टू है यानी सिंपल पास्ट की है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया। अब ये देखिए कि जब हम नाउन के साथ एस सी एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, वर्ब के साथ एस सी एस लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। वर्ब हमारे पास शुरू में, जैसे ईट मैंने लिखा, ईट मेरे पास शुरू में जो है वो प्लूरल है, जिसे बेस फॉर्म कह दीजिए आप। ठीक है, अगर मैंने इसके साथ एस या यस अकॉर्डिंगली लगा दिया, जिसके साथ एस लगना है यस लगना है, इसमें भी हमने, अगर आप हमसे शुरू से ही जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा इस पर हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। तो हम यहाँ पर एस या यस या आई एस लगा कर जो है वर्ब को सिंगुलर बना देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पहले ये समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, आर्टिकल, सब्जेक्ट एंड फिर आर्टिकल, फिर सब्जेक्ट और फिर हमारी प्लूरल वर्ब पीवी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, आर्टिकल इज़ यूज ट्वाइस, दो बार यूज़ किया गया था आर्टिकल। टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स आर रेफर्ड, दो पर्सन और थिंग को यहाँ पर रेफर किया गया था। एक और क्वेश्चन से इसे समझते हैं। देखिए, अगर मैंने लिखा अ ब्लैक एंड वाइट काउ, आगे कोई भी सेंटेंस हो सकता है। अब मुझे इसमें इज या आर में से कुछ फिल करना है। तो देखो, आर्टिकल एक है, इसका मतलब क्या है, अच्छे से इसे समझिए कि जो ये ब्लैक एंड वाइट है ना, इसका मतलब ये है कि इसी काउ का कलर ब्लैक एंड वाइट है। तो यानी एक ही काउ की बात है और यहाँ पे मुझे इज लगा देना है। अगर मेरे पास होता अ ब्लैक एंड अ वाइट, तो इसका मतलब है एक वाइट है और एक ब्लैक है, फिर मुझे यहाँ पर आर लगाना होता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इफ़ टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स आर रेफर्ड देन वर्ब शुड बी प्लूरल। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट का भी एक बार रूल देख लेते हैं कि क्या था। नेक्स्ट ये था हमारा कि इफ़ टू सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड से कनेक्ट हो, ठीक है, और एक्सप्रेस करे वन आइडिया, जैसा कि उसमें हमें स्लो एंड स्टडी में दिखा कि एक आइडिया है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेड एंड बटर, ये एग्ज़ाम में आ भी जाता है, इसी तरह यहाँ पे राइस एंड करी भी आ जाता है। ठीक है, राइस एंड करी, अब ये राइस और करी एक साथ खाया जाता है तो ये एक अच्छे से लंच में आपको आपका फेवरेट है, ये आपका ब्रेकफास्ट में फेवरेट है। तो इसका मतलब है ब्रेड और बटर को आप साथ साथ खाते हैं, ये कंप्लीट आपका ब्रेकफास्ट है। ठीक है, ये ब्रेकफास्ट आपके क्या है, एक कंप्लीट है, ये आप लंच में लेते हैं तो ये आपका एक कंप्लीट लंच है। तो ये क्या है, एक वन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसके साथ हमारी वर्ब कौन सी रहेगी, सिंगुलर। इसी के साथ देखिए, आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ कि आप किस इसमें डिफरेंट कैसे रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ही एंड आई डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, ये हमारे पास दो प्रोनाउन दिए हुए हैं, ये क्या है, दोनों प्रोनाउन है। देखो नाउन में क्या था, नाउन में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक सिंगल आइडिया दे रहा है या फिर वो डिफरेंट आइडिया दे रहा है, लेकिन प्रोनाउन तो हमेशा ही अलग रहेंगे। देखिए ही एंड आई दोनों का, देखिए ही एंड आई ये दोनों अलग अलग है, ही का मतलब वह, आई का मतलब मैं। अब ये दोनों तो एक साथ मतलब कुछ नहीं, कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है, कोई एक आइडिया प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ही एंड आई डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग वर्ब तो हमारी लगेगी यहाँ पर प्लूरल, क्लियर है। प्लूरल वर्ब मेरे पास यहाँ पर एक ही है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर क्या भर दूँगी, वर। तो आपको ये तो क्लियर ही हो गया यहाँ पे कि भाई एक सिंगल ही था मेरे पास, मैंने वर भर दिया। अगर टेंस का कुछ होता यहाँ पे, क्योंकि ये आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, हम दोनों प्रेजेंट है, आर आ सकता था, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हेयर, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि ब्रेड एंड बटर मैंने लिखा यहाँ और मैंने लिखा, मैंने बताया कि इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ब्रेड है फिर एक बटर का टिक्की है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या, इसे सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। देखिए सेल, सोल्ड और सोल्ड, ये तीन रहती है। ठीक है, ये प्रेजेंट की है, वी टू हो गई, ये पास्ट की हो गई और ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल हो गई। ठीक है,
इसको लेना है तो आपको किसके साथ लेना होगा? हैज़, हैव और हैड के साथ लेना होगा, इसमें एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस के अंदर तो आप इसे सभी में ही वी थ्री का यूज़ करते हैं। सेंटेंस किस में है वो मुझे पहले देखना है। पहले ये देखा मैंने कि ब्रेड और बटर दोनों यहाँ पे डिफरेंट थिंग है, दो चीज़ें हैं, तो मुझे वर्ब जो है वो प्लूरल लगाने हैं। ठीक है, अब पहले तो सिंगुलर वर्ब को हटा दीजिए। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि ये दो चीज़ें हैं, बेची जाती है, तो सेंटेंस मेरा किस में है? पैसिव वॉइस में है। सेंटेंस किस में हो गया? ये पैसिव वॉइस में हो गया। अपने आप तो बिक नहीं रही है, बेची जाती है, तो जैसा मैंने कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैज़ हैड के बिना आती नहीं है। कब नहीं आती? जब सेंटेंस एक्टिव में होता है। पैसिव वॉइस में तो हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो अब आपने किसके साथ इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा दिया? आर के साथ। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है यहाँ पर? आर, और यहाँ पर मेरा बन रहा था वर। आई थिंक आपको ये क्लियर है। चलिए एक बार इसके भी देख लेते हैं। तो इसमें हमने देखा कि प्रोनाउन एंड प्रोनाउन दिया हुआ है, देन हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। टू और मोर प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय एंड, एंड का ही कंसेप्ट था, ये सारा अभी तक वही चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन 7 है, माय अंकल विद हिज सन्स डैश प्रेजेंट देयर। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये समझना है कि एंड वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमने यहाँ पे विद से इसे कनेक्ट किया है। सब्जेक्ट मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये भी एक नाउन हो गया, ये भी एक नाउन हो गया है। ठीक है, ये मेरा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरा मेन सब्जेक्ट कौन सा है। अगर मैं देखो इसके अकॉर्डिंग लगाऊँ तो मेरी वर्ब जाती है सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग लगाऊँ तो जाती है प्लूरल। क्लियर, अब मुझे किसके अकॉर्डिंग लगानी है वो मुझे देखना है। विद क्या है? विद एक प्रीपोजिशन है। विद क्या है? एक प्रीपोजिशन है। हमेशा याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा क्या, एक वर्ब के बाद और एक प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, है ना? ऑब्जेक्टिव केस का ही नाउन और प्रोनाउन होता है। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, तो हम इसे भूल ही जाते हैं, ये हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट तो मेरा ये है, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले रखा है वही सब्जेक्ट होता है। आगे देखिएगा, आगे सेंटेंस फिर से अलग आ सकते हैं। तो माई अंकल के अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ पे फिल करेंगे, तो मेरे अंकल के हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, वर्ब कौन सी लगाऊँ? सिंगुलर। इसे एक बार क्लीन कर लेते हैं। वर्ब कौन सी लगानी है? सिंगुलर वर्ब, राइट। जब सिंगुलर वर्ब लगानी है तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे मेरे पास सिंगुलर वर्ब तो एक ही है, मैंने लगा दी। ठीक है, अब बताओ क्या मैं यहाँ विल नहीं लगा सकती थी? विल क्यों नहीं लगा सकती थी? अगेन मैंने जैसा भी शुरू में भी बताया था कि मुझे विल बिना उसके मेन वर्ब के आएगा नहीं, मेन वर्ब यहाँ है नहीं। ठीक है, तो ये जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये तीनों ही क्रॉस। नेक्स्ट देखो, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई डैश गोइंग टू जयपुर। अब वो कुछ वर्ड्स हैं जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने वाली हूँ, वो आने पर जैसे कि विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, है ना, इन एडिशन टू, इन सब के बाद क्या आता है? इन सब के बाद वाले को हमें छोड़ देना है। हमें सब्जेक्ट जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करनी है। फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग मुझे क्या लगानी है? वर्ब प्लूरल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बस एडजस्ट करके रखिए कि कौन सी वर्ब लगानी है। प्लूरल लगानी है, सबको क्रॉस कर दीजिए यहाँ से। प्लूरल वर्ब कौन सी है? ये। तो कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखो, वेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, कनेक्टेड बाय, एज वेल एज। एज वेल एज़ का मतलब क्या होता है? देखो पीछे एक बार सेंटेंस पे चलते हैं। इस सेंटेंस को वापस देखिए कि मेरे साथ साथ, ये क्या होता है? जब हम किसी एक सब्जेक्ट पे जोर देते हैं, उस सब्जेक्ट को हम पहले लिख देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर वर्ब आती है कि मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड्स भी जयपुर जा रहे हैं। यानी मैंने ये क्या बोला? मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड्स भी जयपुर जा रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स पे जोर देके कहा, मैं तो जा ही रहा हूँ, साथ साथ मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। चलिए चार्ट पर चलते हैं। चार्ट में हमारा क्या क्या था? विद, टुगेदर विद, साथ साथ, लाइक अनलाइक का मतलब जैसे दिस सिमिलर, सिमिलर मेरे अंकल जैसे नहीं है, यानी अनलाइक माई अंकल। ठीक है, एंड बट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, अपने उसी सेंस में दोनों काम कर रहे हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। इसको भी थोड़ा सा समझिए कि बिसाइड एक होता है, डिफरेंस साथ साथ बता रही हूँ मैं आपको, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उसमें आपके लिए क्लियर रहेगा ये, और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है नियर बाय, ये एक प्रपोजिशन है। ठीक है, नियर बाय, और ये भी एक प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त। दोनों का मतलब सेम है, यहाँ मैं लिख देती हूँ हिंदी में भी, के अतिरिक्त। ठीक है,
एंड साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, नॉट, ठीक है। इन सब में हमें क्या लगाना है, इनमें हमें वर्ब जो है वो अग्री करनी है किसके साथ, हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज यहाँ पे ईच प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव, ये हमारा वर्ब, ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। दोनों में साथ साथ ही डिफरेंस भी समझ लेंगे। देखो ईच ऑफ द बॉयज, एक होता है ना जैसे वन ऑफ द बॉयज, इसे समझिए पहले, वन ऑफ द बॉयज, इसका मतलब क्या होता है। एक तो देखो यहाँ वन है और ऑफ के बाद जब हम ये लिखेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि ये हमेशा ही प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, वन ऑफ एक की बात है ना, तो काउंटेबल नाउन में से ही एक की बात है, यानी इन लड़कों में से कोई एक है ना। और यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ द बॉयज मतलब है तो सभी एक एक, मान लो मैंने यहाँ लिखा प्रत्येक, प्रत्येक यानी प्रति एक, हर एक है ना, हर एक है तो सभी, लेकिन वन बाय वन सभी को अवार्ड दिया गया, लेकिन वन बाय वन, एक साथ नहीं दिया गया, वन बाय वन सबको अवार्ड मिला है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना। अब अवार्ड अपने आप मिला या फिर दिया गया, अवार्ड तो दिया गया, सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में, ठीक है, सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में। और ईच जहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज इनमें से दिया, एक एक को गया, तो इसका मतलब वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर, ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए एक बार इसको यहाँ से क्लीन करते हैं। वर्ब कैसे लेगा, ये सिंगुलर लेगा, सिंगुलर वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब चूज कीजिए इसमें से कौन सी है, वॉज। अभी सेंटेंस को बनाकर देखिए, ईच ऑफ द बॉयज वॉज अवार्डेड, हर बच्चे को अवार्ड दिया गया, सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि आपने देखा कि ये इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना, मतलब सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो साथ साथ पैसिव वॉइस भी रिवाइज हो रहे हैं ना। देखो नेक्स्ट क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब यहाँ पे आपने क्या किया था, नाउन क्या लगाया था, प्लूरल, प्लूरल नाउन था, लेकिन अब यहाँ पे क्या लगा रहे हो, सिंगुलर नाउन, ठीक है, ये भी साथ में देखना है, एरर करेंगे तब काम आएगा आपको, सिंगुलर नाउन। डिवीजन चल रहा है देखिए कंप्लीट आपका ग्रामर का, एक तरह से लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, लेबर इसी से बनता है ना वर्ड, जैसे वो भी तो लेबर हार्ड वर्कर ही तो होते हैं, क्या है ये, हार्ड वर्किंग। तो देखो ईच बॉय एंड ईच गर्ल यानी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन रखा हमने, एंड से कनेक्टिव भी है, दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं हमें, लेकिन हर एक की बात हो रही है, हर लड़का हर लड़की क्या है, लेबोरियस है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है, कैसे लगाएंगे, सिंगुलर, ठीक है। दोनों में वर्ब कौन सी लगाई, सिंगुलर, एक में हमने नाउन कौन सा लगाया, प्लूरल, इसमें कौन सा लगाया, सिंगुलर, ठीक है। ईच एंड एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, चाहे आप इस पर ईच बॉय, ईच गर्ल एंड ईच वुमेन कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, आगे आगे कंटिन्यू कर दीजिए। तो मेरी वर्ब यहाँ पे सिंगुलर कौन सी है, वॉज। में और क्या क्या हो सकता है, जैसे ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर। इनमें से ईदर ऑफ का मतलब दो में से कोई एक, और नीदर ऑफ जो है वो नेगेटिव है, दोनों में से कोई भी नहीं, दो की ही बात है लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो, जैसे मान लो प्रोनाउन का क्या मतलब हुआ, मानो ईच ऑफ अस लिखा मैंने, ठीक है, और वन ऑफ अस लिखा, हम में से कोई एक, वन ऑफ देम लिखा, ये प्लूरल है ना, प्लूरल है, लेकिन क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी लगाई, सिंगुलर, क्लियर है आपको, क्योंकि किसी एक की बात हो रही है। अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि ये जो है ये तो प्रोनाउन है, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता ईदर और नीदर, आगे ये है वैसे, बट यहाँ पे इसके साथ थोड़ा समझा देते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या रहता है इनमें क्या। देखो अगर मान लीजिए कुछ बच्चे, जब हम शॉर्ट्स में वीडियोस डालते हैं तो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ, तो कुछ बच्चे लिखते हैं कि जब भी ईदर ऑफ देखें आप वर्ब जो है वो सिंगुलर लगा दें, ठीक है, या फिर कुछ का रहता है कि नियरेस्ट टू लगा दें, तो दोनों का डिफरेंट है, ये प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन है, ये क्या है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। इनमें दोनों में अलग अलग ये सब्जेक्ट्स रहते हैं, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट जो है वो यही एक सब्जेक्ट है जिसे हमें, क्योंकि प्रोनाउन ही एक सब्जेक्ट रहता है, नाउन या प्रोनाउन ही एक सब्जेक्ट हो सकता है, इस ऑफ के बाद आने वाला जो प्लूरल है वो तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखो यहाँ पे एक रहेगा, एक यहाँ पे, आपको कह दिया जाए कि एक सेंटेंस फॉर्मेशन आपको दे दी जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल रखना चाहिए, फिर वर्ब प्लूरल लगा देनी चाहिए। बट जब डिफरेंट है, आपके पास ऑलरेडी सेंटेंस बना हुआ है, आपको सिर्फ वर्ब फिल करनी है, तब आप सब्जेक्ट तो चेंज नहीं कर सकते हैं कि इसको यहाँ रख दें, नहीं, आपको वर्ब फिल करनी है, तब आपको क्या करना चाहिए, देखो तब आपका इसमें क्या कंसेप्ट रहता है, द
कि जो यहाँ यहाँ आपके पास एक सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ आपको वर्ब फिल करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है जो इसके नियरेस्ट रहेगा, ठीक है। वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है। अब वो प्लूरल है तो प्लूरल जाएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा ये भी। ये क्वेश्चन वैसा सेम ही आ गया जैसा हमने ईच ऑफ के बाद देखा था, ईच ऑफ दीज टू गर्ल्स, उसी तरह से ईदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हो गया, ठीक है। गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी। तो वर्ब कौन सी लगनी है? सिंगुलर वर्ब लगनी है, बहुत ही सिंपल है। आप चाहें तो इसे पॉज करके और अपना स्कोर बता सकते हैं क्वेश्चन करके कि हमारा स्कोर क्या रहा है। इसमें सिंगुलर वर्ब एक ही है। अब नेक्स्ट है नीदर वाटर नॉर फूड अवेलेबल देयर। अब यहाँ पे मुझे क्या लगाना है? तो सबसे पहले ये देखिए कि ये नीदर और नॉर से कनेक्टेड है, और ये हमारे क्या हैं? कंजंक्शन हैं दोनों ही, तो दोनों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ। अब यहाँ पे देखिए कि ये है अनकाउंटेबल नाउन, और ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अब जब वहाँ स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, सिल्वर और गोल्ड वाला जब था, दो अनकाउंटेबल नाउन और वो एंड से कनेक्ट थे, और फिर हमने वहाँ पे क्या लिखा था? प्लूरल वर्ब। अब क्या लिखना है हमें? नियरेस्ट देखना है इसके क्या है। इसके नियरेस्ट मेरे पास एक ही अनकाउंटेबल नाउन है, तो अब वर्ब कौन सी जाएगी? अब वहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था ना कि अगर एक सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो वर्ब भी सिंगुलर रहनी चाहिए ना, तो अब यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब मुझे देखनी है, यहाँ पे एक ही है, तो मुझे यहाँ पे क्या फिल करनी है? वॉज। क्लियर है आपको? नीदर वाटर नॉर फूड, दोनों में से कुछ भी नहीं था वहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी और क्या क्या हो सकते थे यहाँ पर। इफ़ टू और मोर सब्जेक्ट्स, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नॉर नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है? ये जो है ना, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये पेयर में ही रहते हैं, तो जब भी आपको कभी ये एक दिया हुआ हो और कंजंक्शन दूसरा जहाँ पे कनेक्ट फिलअप में हो तो आपको ये फिल करने होते हैं। कई बार इससे एरर भी दे दी जाती है, नीदर के साथ और दे दिया जाता है तो वो एरर में होता है, तो ये भी आप साथ साथ भी देख सकते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब जैसे ना केवल ये सब्जेक्ट बल्कि ये भी जो बाद में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। कंजंक्शन का काम क्या होता है? वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं, ठीक है। दबा वर्ब, अब वर्ब को एग्री कराना है, किसके साथ वर्ब एग्री करेगी? वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, जो इसके पास में जो होगी, जैसा कि मैंने उसमें आपको बताया था कि जो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है, यहाँ पे अब वर्ब फिल करनी है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट नंबर ऑफ, अब ये भी थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे, सिर्फ आर्टिकल को रट लेते हैं। अ नंबर होने पर ये लगेगा, द नंबर होने पर ये लगेगा, थोड़ा इसे समझ लीजिएगा कि क्या मतलब क्या है इसका। देखो अ नंबर ऑफ का मतलब मैं यहाँ पर ये निकाल सकती हूँ कि अ लॉट ऑफ, है ना, एक अनसर्टेन बता सकते हैं हम इसे, मैनी कह सकते हैं, मैनी स्टूडेंट्स की बात है यहाँ पर। तो अब देखो जब ये हैं, ए लॉट ऑफ की बात हो रही है, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट, तो डेफिनेटली आप वर्ब कौन सी लगाने वाले हैं? प्लूरल वर्ब लगाने वाले हैं। प्लूरल वर्ब मेरे पास कौन सी है यहाँ पे? देखिए मेरे पास यहाँ पे मैं सिंगुलर को यहाँ हटा देती हूँ, और मेरे पास हैज सिंगुलर है, मेरे पास क्या है? वर्ब, वर और हैव दोनों ही प्लूरल है। हैव प्रेजेंट हो नहीं सकता क्योंकि हैव के बाद वर्ब की आपको क्या चाहिए होती है? थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, यहाँ वर्ब ही नहीं है, यहाँ मेन वर्ब चाहिए आपको, मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब नहीं है तो ये वर्ब क्या करेगी यहाँ पे? मेन वर्ब का काम करेगी। ये बी की फॉर्म है, ठीक है, बी की फॉर्म हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती है, तो ये यहाँ पे होना, प्रेजेंट होना इसका, यानी लिंकिंग वर्ब की तरह यहाँ पर काम करेगी ये, कि यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस पेपर डैश 25। देखो ये संख्या जो 25 है वो इन क्वेश्चंस की संख्या है। क्वेश्चंस क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और जो द नंबर का मतलब क्या है? संख्या। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस की संख्या जो है ना, जैसे हम परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चन की संख्या है ना वो 25 है। तो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर डैश 25, तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब। तो अब आपको क्लियर हो गया कि अ नंबर ऑफ होने पर क्या मतलब निकलता है और दो नंबर ऑफ होने पर क्या मतलब निकलता है। चलिए इसके साथ और क्या हो सकता है? देखिए अ नंबर ऑफ के साथ अ लार्ज नंबर ऑफ हो सकता है, ग्रेट नंबर ऑफ हो सकता है। नाउन हमेशा दोनों में ही प्लूरल रहेगा, द नंबर के साथ भी प्लूरल और अ नंबर ऑफ के साथ भी प्लूरल रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें अ नंबर ऑफ के साथ हमने प्लूरल लगाया क्योंकि अ लॉट ऑफ की बात हो रही है, यहाँ पे संख्या की बात हो रही है, तो वर्ब लगा देंगे सिंगुलर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मैनी ए मैन
टेम्प्टेड बाय डैस टेम्प्टेड बाय गोल्ड। टेम्प्टेड का मतलब होता है ना खिंचाव होता है, आकर्षण होना, वहाँ पर ललचा जाते हैं उनकी तरफ, गोल्ड की तरफ। तो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, मैनी अ या एन जो भी है, एन भी हो सकता है ना अकॉर्डिंगली, जैसे यहाँ पे मैन के अकॉर्डिंग अ आया है, ठीक है, यहाँ कुछ और होता तो एन आ सकता था अकॉर्डिंगली। तो इनके बाद हमेशा जो आएगा वो नाउन, तो क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब मैंने यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही क्यों लिखा, तो देखिए मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और अगर हमें अनकाउंटेबल का साथ यूज़ करना हो तो यहाँ मच यूज़ करते हैं, यह यूज होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब देखो मैंने यहाँ पे मैनी अ के बाद लगाया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन अगर मेरे पास सीधा होता मैनी, तो मैनी के बाद अगर मुझे नाउन लगाना होता तो मैं लगाती प्लूरल काउंटेबल नाउन। नाउन तो काउंटेबल ही रहेगा लेकिन अब प्लूरल हो जाएगा। जब यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन था तो मैंने वर्ब लगा दी सिंगुलर, जब मेरा प्लूरल काउंटेबल था तो मैंने वर्ब लगा दी प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैनी अ मैन डैश टेम्प्टेड बाय गोल्ड, तो मुझे वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब मेरे पास एक ही है यहाँ पर इस, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर। अब देखो ये फॉर्मेशन थोड़ा सा देखते जाइए, इसके साथ मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई है, सेंटेंस कैसा है पैसिव वॉइस में, किसके द्वारा टेम्प्टेड हो जाते हैं, वो गोल्ड के द्वारा, है ना, गोल्ड उन्हें आकर्षित कर लेता है, यानी मैनी ए मैन किसके द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, गोल्ड के द्वारा। मैनी ऑफ क्रिमिनल्स, ये इससे भी डिफरेंट हो गया, मैनी ऑफ क्रिमिनल्स, यानी बात मैनी की हो रही है, ऑफ के बाद वाला हमें छोड़ देना है, क्रिमिनल में से मैनी, है ना, तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भरेंगे। अब मुझे ये बताइए मैं वर्ब्स को हटा दूँ और मैं हैज़ को भी हटा दूँ, मेरे पास बचा वर और हैव, ये दोनों ही क्या हैं, दोनों प्लूरल हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं कौन से वाला प्लूरल लगाऊँ, वर्ब में ये मेरी यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है, क्योंकि अरेस्ट फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर वी टू और वी थ्री, ठीक है। अगर ये वी टू होती तो ये अकेली आती बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, है ना, लेकिन अभी वी टू तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरे को फिलअप दिख रहा है, फिलअप के हिसाब से मुझे यहाँ तो कुछ भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वी थ्री है, वी थ्री है तो वी थ्री किस किस के साथ आ सकती है, स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ आपको, हैज़ हैव हैड के साथ आएगी एक्टिव वॉइस में। अब मुझे ये बताओ कि मैनी ऑफ क्रिमिनल्स ने किसी को अरेस्ट किया था कि वो खुद, उनको किसी ने अरेस्ट किया, ठीक है, उनको किसी ने अरेस्ट किया, तो मतलब ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, यानी काम यहाँ तो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट तो है ये, बट ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है ना, खुद डूअर नहीं होता है। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे वर लगा दिया, तो वर थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या हो गई, पास्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस में हम वर और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर मैं कहूँ कि हैव के साथ अगर मैं थर्ड फॉर्म लगाऊँ तो एक्टिव वॉइस में चल जाएगा, एक्टिव वॉइस में चल जाएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास बीन होता तो हम मान सकते थे कि ये पैसिव वॉइस का हो जाता, लेकिन अभी तो पैसिव वॉइस का नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पैसिव बनाना है, पैसिव के लिए मुझे ये फॉर्म चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या आपको बताया, मैनी के बाद अ एन आ सकता है, और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, मैनी अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी, इनके साथ प्लूरल नाउन लगाया था प्लूरल वर्ब, मैनी ऑफ अ ग्रेट। अब एक कन्फ्यूज़न आपको क्या रहने वाली है, आप यहाँ एक को देखोगे, अ जो यहाँ पे लगा है ना वो मैनी से पहले लगा है, मैनी के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, नाउन लगाना है, जो मैनी के तुरंत बाद नाउन लग रहा है इसको ट्रिक से ऐसे याद कर लीजिए, मैनी के तुरंत बाद लग रहा है वो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल ही वर्ब है। मैं अब आप कहोगे कि मुझे आप हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो हमें नाउन क्यों पता होना चाहिए, तो देखिए एरर में तो आपको ये तो नहीं कहा जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर निकालनी है, एरर तो आप किसी भी पोर्शन में देखेंगे। तो मैनी ऑफ अ ग्रेट मैनी ऑफ अ गुड मैनी ऑफ, ठीक है, ऑफ के बाद क्या लगाना है, प्लूरल नाउन, क्योंकि इनमें से ही बात हो रही है, यानी सिंगल की तो बात हो नहीं रही थी, सिंगल होता तो ऑफ लगाने की जरूरत ही कहाँ थी, प्लूरल ही नाउन आएगा, प्लूरल ही प्रोनाउन आएगा, मैनी ऑफ अस, जैसे मैंने कहा था ना अस आ गया, मैनी ऑफ देम आ गया, मैनी ऑफ यू आ गया, यू जो है सिंगल प्लूरल सेम रहता है, तो वर्ब कैसे लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का, अब देखो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे तो अ टेल ऑफ अ टेल लिखा है, ऑफ के बाद वाला आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। आगे क्या है, अ गुड नावल, यानी ये क्या है, ये कंप्लीट जो है वो एक नावल का नाम है, ठीक है, जैसे गुलीवर ट्रेवल्स, ट्रेवल्स है तो वह एस रहेगा लेकिन सिंगुलर है, सिटीज़ है तो एस है लेकिन
ये एक बुक का नाम है, ना तो इसे हटा सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं, ना ही आप इसे प्लूरल बना सकते हैं, जैसा है आपको वैसा ही रखना है। अब यहाँ पे आपकी वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर, क्योंकि बुक तो एक ही है। तो ये आगे पूरा पढ़िएगा, खाली सब्जेक्ट को देखे फटाफट फिल नहीं करना है, पूरा सेंटेंस को कम्प्लीट पढ़िएगा। अब मेरे पास सिंगुलर वर्ब कौन सी है, देखिए मेरे पास सिंगुलर वर्ब है इज़ और हैज़, ठीक है। अब क्या मेरे पास यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, तो मुझे मेन वर्ब चाहिए। हैज़ बिना मेन वर्ब के कैसे आएगी, सेंटेंस बिना मेन वर्ब के कैसे बनेगा, तो मेन वर्ब का काम अब यहाँ पे इज़ करेगी, ठीक है। इज़ ए गुड नॉवल। द कैप्टन विद ऑल ही सोल्जर्स, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा उसी को आप यहाँ पे अपना नॉलेज टेस्ट कर लीजिए कि हम यहाँ पे विद के बाद ये आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स डैश ऑन स्ट्राइक, अब यहाँ पे है अ ग्रुप ऑफ, यानी वर्कर्स का एक ग्रुप, यहाँ वर्कर्स जैसे कि वन ऑफ था उसी तरह से ये कलेक्टिव नाउन है। ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ, टीम ऑफ, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, अगर आप टाइप्स ऑफ नाउन देखना चाहें तो हमारी पूरी नाउन की जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें हमने कंप्लीट बताया है कि किस तरह से एससीएस हटा सकते हैं, किसका एससीएस नहीं हटा सकते, किसे प्लूरल माना जाता है, किसे सिंगुलर माना जाता है, तो वो आप नाउन की प्लेलिस्ट जरूर देख लें। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स और ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स, एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लेयर्स हैं उस प्लेयर का तो सिंपल है टीम होता है, वर्कर्स का ग्रुप होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे ऑफ कैटर्स, तो डैश ऑफ कैटर्स क्या आएगा, उस तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे देखेंगे। तो देखो अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स का मतलब है ये ग्रुप एक ही है, वर्कर्स का है, और इकट्ठा ही स्ट्राइक पे गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, तो पहला एक स्टूडेंट है, इसको हम स्टूडेंट बोलेंगे, और ये बहुत सारे क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये इसका मेरा प्लूरल हो गया, मैंने एस लगा दिया यहाँ पे, ये स्टूडेंट्स बन गए। लेकिन इनकी पूरी की पूरी अगर मैं ग्रुप में बात करूँ तो इस ग्रुप को मैंने नाम क्या दे दिया, क्लास। तो ये क्लास जो है वो है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब ये अगर कलेक्टिव नाउन एक ही मतलब यूनिट में काम हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब ले सिंगुलर वर्ब ले लेते हैं, और अगर यूनिट में काम नहीं हो रहा है तो प्लूरल वर्ब ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी तो एक ग्रुप की बात हो रही है और वो पूरा का पूरा स्ट्राइक पे है, ग्रुप हम ये तो ग्रुप में ही काम हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे वर्ब कौन सी चाहिए, सिंगुलर, मेरे पास कौन सी आ जाएगी, वॉज। अ टीम ऑफ प्लेयर्स डैश कम, अब इसको एक बार क्लीन करते हैं, ये जो कम है, कम वी वन होती है, कम केम वी टू होती है, एंड कम वी थ्री होती है, यानी ये आपकी पास्ट होगी, ये पास्ट पार्टिसिपल होगी। अब हमें ये देखना है कि अब इसमें कम में भी एस सी एस लगा देते हैं तो ये आपका ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे इसकी ए टीम ऑफ प्लेयर्स डैश कम सिंगुलर वर्ब चाहिए, मैंने इसे हटा दिया और इसे हटा दिया, दो बच गई मेरे पास सिंगुलर, ठीक है, एक ये और एक ये। अब दोनों में से सिंगुलर मुझे कौन सी फिल करनी है, वहाँ तो एक ही थी तो मैंने वॉज फिल कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं यहाँ पे क्या फिल करूँ, क्या मैं इज़ कम लगा दूँ यहाँ पे, इज़ कम लगाने से तो क्या बन जाएगा, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस बन जाएगा, तो पैसिव तो है नहीं ये। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे अगर इस वर्ब को लेके आते हैं तो सिंगुलर होती और यहाँ कम्स होता और ख़त्म हो जाता, ठीक है, ब्लैंक रह जाता, वी टू होती, केम आता और ये ख़त्म हो जाता सेंटेंस। लेकिन अब कम है तो कम के अकॉर्डिंग, यानी मुझे इसको थर्ड फॉर्म मान के चलना है, थर्ड फॉर्म हैज़ हैव के बिना आएगी नहीं, या हैड होना चाहिए था, तो इसका मतलब मेरे पास सिंगुलर में हैज़, ठीक है, क्लियर है आपको। तो चलो इसके देख लेते हैं कि क्या चार्ट रहता है और कौन कौन सी और भी होते हैं। ए और एन, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो भी आपका इनिशियल लेटर रहेगा नेक्स्ट नाउन का, ठीक है, ऑफ नाउन कैसा रहेगा प्लूरल, और यहाँ पे वर्ब कैसी रहेगी सिंगुलर। क्या क्या हो सकता है, कीज़ का जो होता है वो बंच होता है, पीपल की क्राउड होती है, भीड़ होती है। अब जैसे एन लगाना पड़ा क्योंकि आर्मी, आर्मी में और की साउंड आ रही है, एन आ गया आर्टिकल। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख लीजिएगा कौन सा किसके साथ आ रहा है, सोल्जर्स की आर्मी होती है, शूज़ का पेयर होता है, और माउंटेन्स की क्या होती है, चेन होती है, श्रृंखला जिसको बोलते हैं, है ना, और स्टार्स की गैलेक्सी होती है, म्यूजिशियन बैंड, ठीक है, और कैटल, देखिए ये जो कैटल का झुंड यानी हर्ड, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कि ये जो कैटल है ये अपने आप में ही क्या है,
प्लूरल है, इसको आप SES लगा के ना तो सिंगुलर बना सकते हैं ना ही प्लूरल, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, सेशन अच्छा लगा तो, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।